हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे भूलभुलैया 3 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चले दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते है। दोस्तों, भूलभुलैया फ्रेंचाइजी के अब तक हमें 2 सीक्वल देखने को मिल चुके हैं जो दर्शक द्वारा खूब पसंद किए गए हैं और अब बारी है उनके तीसरे सीक्वल की। तीसरा सीक्वल अब लॉन्च होने में बहुत ही टाइम नहीं बचा हुआ है और दर्शक बेताब है इस मूवी को देखने के लिए। हाल में इस मूवी का बस बहुत ही ज्यादा बना हुआ है और चारों ओर बस इसी मूवी की चर्चा हो रही है। भूलभुलैया 3 मूवी एक हॉरर कॉमेडी जॉनर की मूवी रहने वाली है और हाल में 2024 में जब से स्त्री 2 मूवी आई से तब से इस मूवी को देखने के लिए दर्शक भी बेताब है, क्योंकि फिलहाल दर्शकों को हॉरर कॉमेडी जॉनर मूवी का भूत सवार है और वो ऐसी ही मूवी देखना पसंद करते हैं। अब किसी को एक्शन मूवी देखना पसंद नहीं है। इसी को देखकर लगता है कि भूलभुलैया 3 इस बार चल जाएगी, क्योंकि इसके सामने सिंघम अगेन मूवी भी रिलीज होने वाली है जो एक एक्शन जॉनर वाली मूवी रहने वाली है और ये अजय देवगन की मूवी है। लेकिन लगता नहीं है कि इस बार एक्शन जॉनर मूवी का भूत सबको भा पाएगा। इस बार बॉलीवुड की 2 बड़ी मूवी भूलभुलैया 3 और सिंघम अगेन के बीच सिनेमा घरों में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों ही मूवी दिवाली 2024 के मौके पर रिलीज होने वाली है। रिलीज के अनाउंसमेंट के साथ ही दोनों मूवियों की टीमें बयान जारी कर रही है कि इस टकराव से मूवी को कारोबार पर क्या असर पड़ने की उम्मीद है। इसी बीच भूलभुलैया 3 के डायरेक्टर ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है और एक बड़ा बयान दिया है। 19 सितंबर गुरुवार को भूलभुलैया 3 के डायरेक्टर अनीस बज्मी ने अजय देवगन की सिंघम अगेन के साथ टकराव पर अपना रुख साफ किया है। साथ ही उन्होंने अपने बयान से सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर भी खंडन किया है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें चल रही है कि बिजनेस के लाभ के लिए दोनों में से कोई भी फिल्म दिवाली क्लैश से बाहर हो सकती है। अब तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। अब अनीस बज्मी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, कुछ मीडिया कर्मी मेरे बयान का गलत मतलब निकाल रहे हैं। 3 दशकों से ज्यादा के अनुभव वाले एक फिल्म निर्माता के तौर पर मैं आकर्षक कहानियां घटने पर ध्यान देता हूँ। फिल्म रिलीज या बिजनेस डायनामिक्स में उलझने पर नहीं है। मैंने कई मूवियों को एक ही दिन रिलीज होने के बावजूद सफल होते हुए देखा है। लगता है कि मेरे शब्द अनुवाद में खो गए। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि सिंघम 3 और भूलभुलैया 3 दोनों ही रोमांचित मूवी है और दोनों ही चल जाएगी। इसमें भूलभुलैया 3 में मंजुलिका भी वापस आ रही है जो विद्या बालन इनका कैरेक्टर प्ले करने वाली है। इसी के साथ माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट है। तो सामने देखा जाए तो सिंघम अगेन की भी स्टार कास्ट बहुत ही अच्छी है। एक कॉप यूनिवर्सल मूवी है और इसमें अजय देवगन एक निडर पुलिस वाले की अपनी भूमिका को दोहराएंगे। इसी के साथ इसमें सलमान खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इसी के साथ विलन के तौर पर अर्जुन कपूर भी है। तो ये भी बहुत ही बड़ी मूवी रहने वाली है। अब देखना होगा कि दिवाली पर किसका पटाखा फूटता है, कौन सी मूवी बाजी मार जाती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और दोनों मूवी में से कौन सी मूवी का आपको ज्यादा इंतजार है। इसी के साथ दोनों मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।